अस्सलामुअलैकुम, मैं मुबशर अवान, बैरिस्टर मुबशर अवान। मैं अभी प्रोटेस्ट के लिए जा रहा था, कैंट में घुसा हूँ और ये मुझे बिला वजह मेरी गाड़ी रोक लिया इन्होंने और मुझे कह रहे हैं कि आप झंडे नहीं लेके जा सकते और आप वापस कर दें गाड़ी। क्यों हम वापस करें? क्यों हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? किस वजह से हम वापस करें झंडे वाली गाड़ी? झंडा ये कोई इंडिया का झंडा है हमारे पास जिस वजह से हम वापस करें? और इनको कौन सा नोटिफिकेशन है जो इन्होंने ऊपर से मुझे बता रहे हैं कि ऑर्डर आया हुआ है इनको? मुझे बताएं कौन सा ऑर्डर है आपके पास, दिखाएं मुझे, मैं देख लेता हूं ऑर्डर। क्यों मैं ऐसे करूं वापस? क्यों मैं करूं? ये वासिफ साहब हैं, ये साहब हैं, और ये मुझे बताएं, इनसे पूछा जाए कि कौन सा ऑर्डर है इनके पास जो इनको ऊपर से आया है? ऊपर से कौन है जो इनको ऑर्डर देने वाला है? ये पाकिस्तान का चीफ है या पाकिस्तान के मिनिस्टर है? कौन सा ऑर्डर है जो इनके पास है ऊपर से इनको आया? जो आप तंग, ये बात बुरी नहीं करनी है आपने हमारे साथ, पहले आपने ये क्यों कहा कोई वापस नहीं गई? इस तरह कर ले, उस तरह कर ले। ओ भाई मेरे भाई, आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, आप वायलेशन कर रहे हैं, हर चीज में वायलेशन करते हैं। आपको किसने हक दिया क्या वायलेशन करें? आप इस तरह नहीं चले करें, गाड़ी साइड पकड़े, इनकी सुनने पीछे वाम को तंग नहीं हमारा काम बनता, हम पिछली वाम को तंग करें, हम ऐसे नहीं है कभी किसी को तंग करें। आप गाड़ी साइड पे कर दें, देख लेते हैं। ये गलत बात है जो आप कर रहे हैं, देख ले, ये गलत बात आप करते हैं, आप ये बात गलत करते हैं कि देख लेंगे। ये रोब हमें ना दिखाए आप, हम इस रोब को मानेंगे, हम इस रोब को कभी नहीं मानेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको, मुझे ये रोब ना दिखाए। इंडिया से आए हैं हम लोग, ये उतार लेंगे। ये कौन सी हमने तोप लगा ली है? उतारने में क्या 2 मिनट लगेगी? और ये हमने कहा ठीक नहीं है, हॉर्न लगा दिए, ऊपर वायलेशन कर रहे हैं यार। पढ़े लिखे हैं लेकिन ये तरीका, हम टैक्स पेयर हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे नहीं पता इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं बैरिस्टर हूँ, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है ये मुझे कानून बताएंगे? ये हमारे राइट इन्फ्रिंज करेंगे ये? चले अब अच्छी बात इनको समझाए, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम अपने मजे से जा रहे हैं, हमें जाने दे, दैट्स इट। झंडे के साथ नहीं जा सकते हम, आप हम जाएंगे। मुझे नोटिफिकेशन ऑर्डर दिखाएं, जो ऑर्डर आपने कहा था ऊपर से है वो मुझे ऑर्डर दे। कह रहा हूं कि झंडे के साथ आप नहीं जा सकते, पार्टी को कॉल करेंगे फिर इधर आएगी बार। मैंने आपको झंडो का कहा, मैंने आपको मुझे ऑर्डर दिखाए, आप मैंने झंडे लगे हुए ना, मुझे ऑर्डर दिखाए कि कौन सा ऑर्डर है जो आपके पास है मेरा ये झंडा उतारने का? इसमें मेरी जान है, मैं नहीं उतारता इसको। आपको इससे मोहब्बत है कि नहीं? हमें बड़ी मोहब्बत है, मोहब्बत है इससे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मोहब्बत है हमारी नहीं है। आपको मोहब्बत होती तो एक महीना पहले ये ना होता पाकिस्तान में जो हुआ है, कि आपको कोई मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान से। आपको मोहब्बत होती, आज वजीर दफा जो उनका आज उसने बयान दिया अमेरिकन ने, उसने कहा कि पाकिस्तान में हमने दो हफ्ते पहले ये रिजीम चेंज किया ना, आप लोगों की वजह से हुआ। लोगों को रास्ता दे रहे, लोगों की रास्ता दे रहे, लोगों को रास्ता दे रहे। मैंने नहीं किया, मैंने आपको बताया, हम जाएंगे, हम सिटीजन है, हम ये इस जगह के रहने वाले, हमारा ये हक है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको जिसने ऑर्डर दिया आप मुझे ऑर्डर दिखाए, ठीक है ना? हम नहीं छोड़ेंगे। ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर सुनाते हैं मुझे। हम भी आपके लिए ये अफवाज पाकिस्तान हमारी जान है, अफवाज पाकिस्तान में हमारा खून धड़कता है, लेकिन ये फौज हमारी जान है, लेकिन इनकी हम लोगों ने समझ नहीं है। ये नवाज़ बगैर आदमी ने इनको गालियां दी, सरेआम गालियां दी, उनके आगे ये लेट गए, उनके आगे ये लेटा, जान के साथ चले। ये नवाज शरीफ ने इनको सरेआम गालियां दी, मरियम ने इनको सरेआम गालियां दी, ये इनके आगे गंदी आदमी के आगे ये लेटे, उस बगैरत के आगे ये लेटे। मैं अभी इस वक्त बीमाल सियालकोट में खड़ा हूँ, मेरी अपनी पार्टी से गुजारिश है यहाँ पे पहुंचे, ये सिर्फ और सिर्फ वायलेशन कर रहे हैं, ये जानबूझ के पीट के लोगों को तंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं ये कर रहे हैं। पाकिस्तान ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये पाकिस्तान के रहने वालों की जागीर है, ये पाकिस्तान का हक है, ये पाकिस्तान की जगह है।
मैं सर विक्टी ने वो दूसरी पट्टी आई जाने लगा।